जा रहा हूँ राजगीर में गर्म पानी का कुंडिया, बोल सकते हैं दुनिया के सबसे अच्छे गीजर। बाथरूम में आप गीजर यूज करते हैं ना, ये नेचुरल गीजर है। और क्या इसकी खासियत है मैं चल के बताता हूँ, चलिए। होगा श्री राजगिरि तपोवन तीर्थ रक्षाधन पांडा समिति, इसके अंदर से अंदर जाने, चलिए मैं दिख, ये जाने का रास्ता है। चलिए घुस गए अंदर गर्म कुंड का, या दुनिया के सबसे अच्छे गीजर के पास आ गए हैं। एक ऐसी अवधारणा है और सच्चाई भी इसमें है कि आपके पास अगर इचिंग का प्रॉब्लम है, के पानी में अगर आप स्नान करेंगे तो आपको पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। ये कुंड का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बदलता होगा, पहले इस टाइप से नहीं था। अगर आप 5-10 साल पहले आते, धीरे धीरे रिनोवेशन चल रहा है, रिनोवेशन का काम हो रहा है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन अच्छा होते जा रहे। तीती कच लॉकर रूम, अच्छा लॉकर रूम भी अवेलेबिलिटी कराई गई है। मेन कुंड बंद कर दिया गया है कोरोना के वजह से, अभी इसी पे काम चलाया जा रहा है। एक ही कुंड है जिससे काम चलाया जा रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, इसकी वजह से मैं नहीं यहाँ नहा पा रहा हूँ। जब खुलेगा पूरी तरह, वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद मैं नहाऊंगा। चलिए कुंड ऐसा ऐसा जिससे पानी गिर रहा है, ऐसा टोटल 7 कुंड बनाया गया है पूरा। आपको अभी ना कोरोना के वजह से पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, आना अलाउड नहीं है, लेकिन ये पानी हमेशा गर्म गिरती रहती है और नेचुरल गीजर का काम करता है। इसमें बहुत सारा ऐसा रहता है जो इंग्रेडिएंट रहता है, कैल्शियम सल्फर जैसा चीज़ जो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो अभी तो कोरोना की वजह से लॉक कर दिया गया है, लेकिन एक कुंड खुला हुआ है जिसपे आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा दिन बाद ही आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे ही कोविड ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद। ये देखिए इसमें जब भी हमने आया है काफ़ी गंदा पानी दिखा, इतना साफ़ पानी अभी तक हमने नहीं दिखा था। ये काफ़ी साफ़ पानी है, ये थोड़ा सा पाउंड टाइप पे बनाया गया है, थोड़ा सा ये गड्ढा है जिसमें आप जाएं तो कमर से ऊपर पानी इसमें लगेगा और एक अच्छी फीलिंग आ गया है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कंसेप्शन था कि इतना गर्म में कैसे जा पाएंगे, लेकिन आप जाइएगा तो आपको गर्म फील ही नहीं होगा उस टाइप से, और आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील लगेगा। सो देखिए ये आपको टेम्पल दिखेगा, ये पुस्तकालय है, कुछ कुछ इसमें किताबें रखी हुई है जो आप देख सकते हैं, इसमें आके पढ़ सकते हैं, यहाँ का लुत्फ उठा सकते। छोटा छोटा काफ़ी ज़्यादा टेम्पल है यहाँ, जैसे हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, आप देख रहे होंगे तारकेश्वर नाथ, इधर आपको सोमनाथ दिखेगा। छोटा छोटा काफ़ी ज़्यादा टेम्पल यहाँ बनाया गया है, क्योंकि राजगिरि में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल है, ये आप देख रहे होंगे छोटा छोटा टेम्पल। ये मैं ऊपर से दृश्य लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप देख पाइएगा जितना देख पा रहे हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है। ये कुछ धारा आपको दिख रहा होंगे, ऐसे ऐसे 7 धारा इसके अंदर है, अगर आपको 3-4 दिख पा रहे हैं तो 7 धारा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये रास्ता है कुंड आने का, उसके बाद आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा टेम्पल बना दिया गया है। ये कुंड काफ़ी अच्छा कुंड है, इसमें आपका अगर इचिंग विचिंग का प्रॉब्लम है, आपका स्किन डिजीज है, तो उस पर यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट करता है। इसका जो पानी है वो हमेशा गर्म आता है और बहुत ही अच्छा अच्छा इसको लोग नहाते भी हैं, इससे इसको पी भी लेते हैं, पेट में भी कुछ समस्या है वो समस्या को भी ये ख़त्म कर देते हैं।